लक्ष्य शोर्ट हैंड पंचकूला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फर्स्ट प्लेस वावल के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने जाना कि स्ट्रोक्स क्या होते हैं, उसके बाद आप लोगों ने जॉइंट स्ट्रोक्स को समझा। इस चैप्टर में हम लोग फर्स्ट प्लेस के वावल के बारे में जानेंगे। जैसा कि इसके बोलने से ही पता चल रहा है कि फर्स्ट प्लेस के वावल तो जो हमारे स्ट्रोक्स हैं उसमें यह वावल फर्स्ट प्लेस पे लगाया जाता है, लेकिन उससे पहले दो चार छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट प्लेस में टोटल चार वावल होते हैं, दो डॉट होते हैं तथा दो डैश होते हैं। डॉट वावल हम राइट हैंड साइड में, जैसा मैं आप देख रहे हैं, बिल्कुल हल्का सा हाथ को सीधे हाथ की तरफ घुमा रहा हूँ, इस प्रकार से हम इस वावल को लगाएंगे। उसके बाद डैश वावल की बात आती है, तो डैश वावल को हम जो हमारे स्ट्रोक्स हैं उसके विपरीत या ऑपोजिट साइड में इस प्रकार और इस प्रकार लगाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट प्लेस के वावल के अंदर जो हमारे स्ट्रोक्स हैं वो चाहे अकेला आ रहा हो, शुरुआत में आ रहा हो, अंत में आ रहा हो, बीच में आ रहा हो, हॉरिजेंटल स्ट्रोक आ रहा हो, हॉरिजेंटल के बाद अपवर्ड स्ट्रोक्स आ रहे हों या दोनों डाउनवर्ड स्ट्रोक आ रहे हों, तो जो हमारा फर्स्ट डाउनवर्ड स्ट्रोक है चाहे वो कहीं भी आ रहा हो वो लाइन से ऊपर ही समाप्त हो जाएगा। और यदि दो डाउनवर्ड स्ट्रोक आ रहे हैं तो दूसरा वाला लाइन को काटेगा। उसके काटने का सही तरीका यह होता है कि वो आधा ऊपर और आधा नीचे रहेगा। आपने इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि आप उसको बिल्कुल थोड़ा सा या बहुत ज़्यादा न काटें। इन दोनों दशाओं में यह बिल्कुल गलत है। इसके बाद आज हम अपना फर्स्ट प्लेस का पहला वावल समझेंगे। पहला वावल जो है उसके अंदर आ की ध्वनि आती है। जो स्टेनो बनाई गई है यह सारी की सारी उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन, जो वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन होती है उसके आधार पर ही लिखी और बनाई जाती है। जो हमारा फर्स्ट प्लेस का पहला वावल है उसमें आ की ध्वनि या साउंड आएगी तथा स्पेलिंग में एक ए या दो ए होते हैं। इसके लिए हम डॉट लगाएंगे। यह डॉट डार्क होता है, लेकिन लक्ष्य शॉर्ट हैंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट में मैं बच्चों को लाइट और डार्क का चक्कर नहीं रखवाता तथा सभी स्ट्रोक्स या वावल हम लोग लाइट ही लगाते हैं ताकि ज़्यादा स्पीड से और आसानी से लिखा जा सके। अब इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे डबल ए पी आप, इसमें डाउनवर्ड स्ट्रोक जो है वो लाइन से ऊपर रहेगा तथा वावल फर्स्ट प्लेस का वावल फर्स्ट पर ही लगेगा। फर्स्ट प्लेस वो होता है जहाँ से हम स्ट्रोक को बनाना शुरू करते हैं। इस बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सारी बातें खुलकर बताई हैं तथा दोबारा से यह बताता हूँ कि जहाँ से आपने पेंसिल रखी वो फर्स्ट, बीच में सेकंड, अंत में थर्ड, फर्स्ट सेकंड, थर्ड। बिफोर आफ्टर का आपको पता है, यदि नहीं पता
फिर भी डाउनवर्ड और अपवर्ड स्ट्रोक के अंदर उल्टे हाथ की तरफ बिफोर होता है और सीधे हाथ की तरफ आफ्टर होता है। आपके बाद में पा, इसमें आप देखेंगे वावल बाद में आ रहा है, बाद में आने की दिशा में हम सीधे हाथ की तरफ वावल लगाएंगे, पा। डबल ए जे आज, जे ए जा, डबल ए जी आग। हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स में ऊपर की तरफ बिफोर होता है तथा नीचे की तरफ आफ्टर होता है, गा। डबल ए एम आम और एम डबल ए मा, ए डबल एल आल, इसमें वावल पहले है तो उल्टे हाथ की तरफ, एल ए ला, बाद में आने की दिशा में सीधे हाथ की तरफ वावल लगेगा। ये कुछ मैंने बच्चों हिंदी के उदाहरण दिए हैं ताकि आपको और भी आसानी से समझ में आ सके। अब कुछ इंग्लिश के एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे ए आर एम आर्म, आर से पहले वावल आ रहा है तो उसको हम बिफोर में लगाएंगे, राम वावल बाद में आ रहा है तो सीधे हाथ की तरफ लगाएंगे, पी ए एल एम पाम, एस एच ए एच सा, ये एच साइलेंट है इसमें इसलिए इसको हम सा बोलेंगे, बी ए एल एम बाम, आर ए जे एक वर्ड अपवर्ड गया दूसरा डाउनवर्ड, तो दोनों तरफ से बराबर होने चाहिए। ऐसा ना हो आप ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं, क्योंकि हर एक स्ट्रोक की लंबाई बराबर होती है तो इसलिए हम इसको इक्वल रखेंगे जो कि ये बनेगा राज। इसके अलावा एफ ए आर एम, इसमें दो डाउनवर्ड स्ट्रोक आ रहे हैं इसलिए पहला लाइन से ऊपर रहेगा, दूसरा लाइन को काटते हुए आधा ऊपर आधा नीचे, और एम इसके बाद में वावल जो है एफ से बाद में आ रहा है तो हम उसको एफ के बाद में फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे। इसके अलावा सी ए एल एम, इसमें एल साइलेंट है तो ये बच्चों हमारा काम वर्ड बन गया। इसके बाद में आप देखेंगे दूसरा वावल जो है स्टेनो के फर्स्ट प्लेस वावल में वो हल्का ए, हल्के ए की आवाज़ आएगी इसमें, स्पेलिंग में ए रहेगा, डॉट लगेगी, लाइट है, लाइट ही बनाने हैं हमने। जैसे ए डबल पी एप, वावल पहले है तो पहले, जी ए पी गैप, सी ए टी कैट, सी ए टी सी एच कैच, सी ए पी कैप, एम ए पी मैप, आर ए टी रेट, पी ए सी के पैक, बी ए सी के बैक, सी ए एम कैम, जैसे कैम स्कैनर वगैरह होते हैं। इसके बाद में टी ए पी टैप, इसमें आप देखें दोनों के दोनों डाउनवर्ड स्ट्रोक हैं तो हम पहला लाइन से ऊपर रखेंगे, दूसरा लाइन को काटते हुए आधा ऊपर आधा नीचे, ये मैंने टी थोड़ा टेढ़ा बना दिया, हमने बिल्कुल सीधा रखना इसको, टैप। इसके बाद में तीसरा जो वावल आता है वो औ की ध्वनि को दर्शाएगा, जैसे औ औरत, जो एंड वाला और होता है उसको हम औ भी बोलते हैं, इसमें स्पेलिंग में ए डब्लू या ए एल रहेगा, इसके लिए आप डैश लगाएंगे, और यह डार्क होता है जो कि आपने नहीं बनाना है। लेकिन बार बार बताने का मेरा मुख्य प्रयोजन या लक्ष्य यह है कि आपको सब बातों का पता होना चाहिए, उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करें ना करें वो बात की बातें,
लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, इसके उदाहरण देता हूं आपको, PAW पऊ, TALL टोल, PWED पौड, PAUL पौल। ये ध्यान देंगे नीचे ऊपर बराबर होना चाहिए, कोई भी स्ट्रोक ज्यादा ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल समान लंबाई है, समान ही रखनी है। CHALK चौक, THAWED थाउड। दो डाउनवर्ड स्ट्रोक है तो पहला लाइन से ऊपर समाप्त हो जाएगा, दूसरा लाइन को काटते हुए नीचे चला जाएगा, जो कि आधा ऊपर आधा नीचे रहेगा। फर्स्ट प्लेस का जो सबसे आखिरी वावल है, जो कि चौथा वावल है, वो हल्की ओ की आवाज आती है उसमें, जैसे इस प्रकार से ओ, बिल्कुल हल्की सी ओ। स्पेलिंग में ओ मिलेगा, डैश लगाना है, लाइट वावल है, लाइट तो बनाना ही है आपको। जैसे कि GOD, हम गॉड बोलते हैं, लेकिन अगर हिंदी में लिखा जाए तो इसको हम ऐसे बोलते हैं, गॉड, बिल्कुल लाइट साउंड, गॉड। NOT, नोट नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो NOTE नोट होता है, ये नोट। फर्स्ट प्लेस वावल है, फर्स्ट पे लगा देंगे। इसके बाद में आया जी OFF, ऑफ, ROCK, रॉक, जैसे ये रॉक स्टार वगैरह वर्ड होते हैं। DOG, डॉग, FOR, फॉर। दो डाउनवर्ड है, पहला लाइन से ऊपर रहेगा, दूसरा लाइन को काटते हुए आधा ऊपर आधा नीचे। और जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होती है फोर की, वो FOR, फोर, NOTE, नोट। इसके अलावा GOT, गॉट इट, और जो GOAT, गोट, वो अलग होती है। एक एग्जांपल और देखें आप, ROD, हम रोड बोलते हैं, और वैसे अगर बात करें तो काफ़ी लोग इसको राड बोल देते हैं, लोहे की राड, लेकिन ये होता है रोड, लाइट साउंडेड वावल है रोड। HOT, हॉट, MOCK, मॉक। तो बच्चों, ये आज हमने फर्स्ट प्लेस के सारे वावल कर लिए हैं। इसके बाद में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसको देखें, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, फर्स्ट प्लेस में चार वावल होते हैं, दो डॉट दो डैश होते हैं। जो डॉट है वो राइट हैंड साइड में घुमाएंगे, डैश जो है वो भी राइट हैंड साइड में जाएगा, वो ऊपर से नीचे और लेफ्ट टू राइट होता है। जो डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हैं वो लाइन से ऊपर रहेंगे, लाइन को नहीं छुएंगे, चाहे शुरू में है, बीच में है, अंत में है, अकेला है, हॉरिजॉन्टल के बाद अप है, या हॉरिजॉन्टल के बाद डाउन है, या दो डाउनवर्ड स्ट्रोक हैं, तो दूसरा वाला जो है वो लाइन को काटता है। फर्स्ट प्लेस का वावल जो है वो बिल्कुल उसके फर्स्ट प्लेस पे लगाया जाता है। फर्स्ट प्लेस वो प्लेस माना गया है जहाँ से हम अपनी पेंसिल या पेन को रखते हैं। जैसे दो तरह के एल होते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो नीचे से ऊपर अगर एल जा रहा है तो उसका फर्स्ट प्लेस नीचे रहेगा, ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसका फर्स्ट प्लेस ऊपर रहेगा। इसमें फर्स्ट वावल जो है वो आ का है, दूसरा वाला हल्का ए है, तीसरा वाला औ की साउंड है, चौथा वाला हल्की ओ की साउंड है।
मेरा यह मानना है बच्चों, आपको वावल बिल्कुल अच्छे से आ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं आए हैं तो आप इन वावल को एक बार और समझें, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोगों को कभी भी हम चैप्टर समझाने से या कोई डाउट जो है वो बताने से कभी मना नहीं करते, वो आपका राइट है। तो आप अपने डाउट्स दूर करें, और हर वर्ड की कम से कम भी आपने एक पेज पे दो वर्ड्स तो जरूर करने हैं, क्योंकि यह सब्जेक्ट जो है हमारा सब्जेक्टिव है। इसमें आप लोग जितना ज़्यादा होमवर्क करेंगे, जितने ज़्यादा पेज करेंगे, जितना ज़्यादा सुंदर काम करेंगे, आप उतना ही थोड़े समय में उतने ही आगे निकलेंगे। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।